देखिए, हमने अभी तक जो भी पढ़ा हुआ है वो ये है कि न्यूक्लियस पढ़ लिया है। न्यूक्लियस के मेन बात को समझ गए कि जो न्यूक्लियस है वो क्या काम करता है, कि जो कंट्रोल करता है सेल को। अभी वो क्यों कर पाता है सेल को कंट्रोल, क्योंकि उसके पास में सबसे मेन पार्ट होता है जिसको बोलते हैं डीएनए, यानी डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है उसके पास में। खैर, ये तो बात पता चल गई, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, मैं उनको सर्कल कर दे रहा हूँ। मतलब टेस्ट लूंगा तो मैं ये जरूर पूछूंगा आपसे कि क्रोमोसोम किससे बनता है। तो आप कह सकते हो, अगर ऑप्शन में ये बोला जा रहा है कि इज अ पार्ट ऑफ डैश, तो वहां पर आप लिखना क्रोमैटिन फाइबर का पार्ट है। क्रोमोसोम इज अ पार्ट ऑफ क्रोमैटिन फाइबर, और यू कैन से द कंडेंस स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमैटिन फाइबर। तो कंडेंस स्ट्रक्चर से क्रोमोसोम बनता है। अब अगर कोई पूछे दूसरा क्वेश्चन कि मटेरियल क्या है इन दोनों का, तो आप मटेरियल में 100% श्योर रहना, उसमें कंफ्यूज कभी भी मत होना कि इसका मटेरियल क्या है। तो वहां पर मटेरियल है इसका, ये जो येलो कलर के जो पार्ट दिख रहे हैं ये, और जो ये पर्पल कलर का जो थ्रेड दिख रहा है ये इसके मटेरियल है। आई रिपीट दैट थिंग, द येलो पार्ट इज नोन एज हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन, देखिए मैं बार बार इस बात को बता रहा हूं, अगर एग्जाम में किसी ने कोई भी गलती की, किसी के भी एमसीक्यू में मार्क्स कटिंग हुए और मुझे ये बताया किसी ने भी कि मुझे, मैं कंफ्यूज हो गया था या मैं भूल गया था, तो ये अच्छा नहीं होगा। मतलब ये बिल्कुल गलत बात है। मैं अभी आपको नहीं आ रहा है, आप मुझसे पूछ लीजिए बार बार, ठीक है, मैं बता दूंगा आपको। ये दूसरा है डीएनए, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इसे डीएनए कहते हैं, इसके ऊपर पाया जाता है। तो ये इन दोनों का कंपोजिशन है। किन दोनों का कंपोजिशन है? क्रोमोसोम और क्रोमेटिन का कंपोजिशन, यानी आप ये कह सकते हो कि दोनों एक ही चीज है ये। तो दैट इज वेरी क्लियर, आई थिंक अब आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि डीएनए पार्ट है क्रोमोसोम या क्रोमेटिन का, और डीएनए के अंदर पाए जाते हैं जीन्स, यानी जो फंक्शनल यूनिट होती है डीएनए की। जैसे हमने ये आपको उस दिन भी बताया था, ये इतने पार्ट को, तीन तीन के सेट को हम लोग बोलते हैं जीन्स, और जीन्स की वजह से प्रोटीन बनते हैं। मैं आपको वो भी समझाऊंगा कि वो क्या चीज होती है। जीन्स मतलब फंक्शनल यूनिट होते हैं डीएनए के, और ये मैंने समझा दिया आपको ये। तो ये जनरल इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी, अब ये बात यहाँ पर खत्म होती है। अब मैं आगे बढ़ूंगा और डीएनए के बारे में आपको और समझाऊंगा, ठीक है। तो अभी क्या है कि ये पहला ही मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग ही है मतलब कि डीएनए के बारे में, तो मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता हूँ। डीएनए हेरिडिटरी मटेरियल है हमारी सेल के लिए। हमारे जो फीचर्स होते हैं, हम फीचर्स जो हमारी बॉडी के होते हैं, जैसे कोई भी फीचर हो, जैसे कि बॉडी का हाइट हो गई, बॉडी का शेप हो गया, स्किन का कलर हो गया, शेप ऑफ द मतलब हर एक चीज, हर एक छोटी से छोटी चीज तुम्हारा फीचर होता है, ये आप याद रखो। जैसे कुछ भी ले सकते हो आप, जैसे आईब्रोज का जो थिकनेस है ये भी एक फीचर है, बालों का टेक्सचर, स्मूथ बाल होना, रफ बाल होना, ये भी एक फीचर है, स्किन रफ होना, स्मूथ होना, वाइट होना, ग्रे होना, ये भी एक फीचर है, और बहुत मतलब हर एक चीज, यानी इवन नेल्स जो है तुम्हारे, किसी के नेल्स बहुत लंबे होते हैं मतलब ऐसे पॉइंटेड होते हैं, किसी के नेल फ्लैट होते हैं, हर ये भी एक फीचर है। मतलब हर एक चीज एक फीचर है तुम्हारी बॉडी में, और वो दूसरों से अलग है, ये आप याद रखना। वो किसी मतलब पड़ोसी से मैच नहीं करेगा आपके, है ना। तो वो अलग क्यों है? क्योंकि वो डीएनए आपका और उसका अलग अलग है, और वो डीएनए ही है जो फीचर्स को बनाएगा। मैं ये बात आपको डिटेल में समझाऊंगा, तो अभी डीएनए के बारे में समझना चालू करते हैं, इसको यहाँ पे रोकते हैं। मान लीजिए मुझे एक डीएनए दिखाई देगा, तो वो कहाँ से निकालोगे डीएनए आप, पहले तो ये समझो। तो हमने अभी तो समझा दिया आपको डीएनए निकालना कहाँ से है, क्रोमोसोम पता है आपको, वहीं से वो पीस निकालना है। तो वो देखेंगे ना, तो उसको सर्कुलर डीएनए कहते हैं बेटा, वो इस तरीके से दिखाई देगा आपको, ऐसे दिखाई देगा, और उसमें ये इसका ये दो स्ट्रैंड दिखते हैं, और ये दोनों स्ट्रैंड ऐसे 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 एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड हैं। थोड़ा डायग्राम में अच्छा नहीं बना पाया हूं, पर ठीक है, चलो मैं इसको यहां पर दिखाता हूं। ये कुछ ऐसे दिखाई देंगे आपको, एक स्टैंड ऐसे दिखाई देगा और एक स्टैंड आपको ऐसे दिखाई देगा। अब ये दो स्टैंड आपको दिख रहे हैं,
अब इसको थोड़ा फाइन करते हैं और अच्छे से करते हैं। तो अगर हमको एक बेसिक स्ट्रक्चर चाहिए तो हमें इसके लिए क्या चाहिएगा, यहाँ पे देखिएगा, मुझे एक स्टैंड ये चाहिए, दूसरा स्टैंड मुझे ये चाहिए, दो स्टैंड बन गए, देखिए ये दो स्टैंड बन गए। अब हमको क्या चाहिए, इसके अंदर हमें यहाँ पर कुछ सेगमेंट्स चाहिए, छोटे छोटे सेगमेंट्स, ये ऐसे ऐसे होंगे यहाँ पे, जो कि मैं आपको भी समझाऊंगा, इसलिए इसको लैडर मॉडल कहते हैं, लैडर सीढ़ी के जैसा दिखाई देगा ये। तो इसके साथ में यहाँ पर चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड होंगी यहाँ पे ऐसे। ये बहुत ही आसान डायग्राम है, सबसे बेसिक डायग्राम ये। और यहाँ पर बीच में पाया जाएगा बॉन्ड, यहाँ पे होंगे इसके बीच में बॉन्ड पाए जाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे होंगे, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, सब डिटेल एक एक करके करा रहा हूँ, चिंता मत करना, धीरे धीरे समझा रहा हूँ। तो ये बॉन्ड हो गया। अब अगर मुझे इसका सेगमेंट चाहिए, मुझे ये बाहर निकालना है, तो मैं इतना पीस स्टडी कर लूं, इतने पीस को, ये इतने इतने पीसेस में डिवाइड किया गया है ये। अगर मैं डीएनए के सेगमेंट्स की बात करूं तो यही तो है डीएनए के सेगमेंट्स जो ये डीएनए को बना रहे हैं, है ना भाई, यही तो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये सेगमेंट होगा। चलो अब किसी एक सेगमेंट को यहाँ पर डिटेल में समझा जाए कि ये क्या होगा, किसी एक सेगमेंट के बारे में बात करी जाए। तो मैंने जैसे कि यहाँ पे आपको बताया अभी, ये एक रेड वाला हो गया स्ट्रैंड, और इसके सामने यहाँ पर हो गया ये ग्रीन वाला स्ट्रैंड, इनके बीच में यहाँ पर एक ये कुछ पाया जा रहा है, ये ऐसे पाया जा रहा है, उसके बाद एक इधर पाया जा रहा है इसमें ये, तो ये कुछ है। अब ये, अब और ध्यान से समझना है यहाँ पे, इसके नीचे एक और बनाता हूँ मैं, इसके नीचे एक और सेगमेंट बना रहा हूँ मैं, दूसरा और बना रहा हूँ। चलो ध्यान से देखना, मैं दो को समझा रहा हूँ आपको, दो, ये दूसरा वाला हो गया, और जो है ये पहले वाला हो गया, ऊपर वाला, ठीक है। तो अब इसको भी समझ लेते हैं। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर वही चीजें पाई जाएंगी जो ऊपर अभी मैंने वहां पर दिखाया, सेम कॉन्सेप्ट है, सेम ही है, पर मैं दिखा दो इसलिए रहा हूं क्योंकि आपको सीधे सीधे समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये हो गया। अब इसके पार्ट्स के नाम सुनना, मैंने अभी बॉन्ड बताया आपको, एक बॉन्ड यहाँ पाया जाता है, एक बॉन्ड यहाँ पर भी पाया जाता है, अभी एक नया पॉइंट सुनो, इनके बीच में यहाँ पर भी एक बॉन्ड पाया जाता है। अब मैं इनके नाम भी बता रहा हूँ, अब देखो थोड़ा थोड़ा चीजें बढ़ती जाएंगी, धीरे धीरे चीजें इंक्रीज होती जाएंगी, नॉलेज धीरे धीरे आपका इसमें और अपडेट होता चला जाएगा। जो ये रेड वाला जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, रेड वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये वाला, ये जो एक साइड का जो ये बोन का जो छोटा पार्ट दिख रहा है, इसको बैक बोन कहते हैं, इसका छोटा पार्ट दिख रहा है, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे फॉस्फेट, सॉरी, ये है जो रेड वाला दिख रहा है, ये है पेंटोस शुगर, ये शुगर है, ये शुगर है, ये बात याद रखना, पेंटोस शुगर, 5 कार्बन शुगर। ये मैं और आपको डिटेल में बताऊंगा, ये जो इधर भी शुगर है और ये इधर वाला भी शुगर है, शुगर, ये जो आपको ग्रीन वाला और इधर रेड वाला जो छोटी सी स्टिक दिख रही है ना, ये शुगर है। और इसके बाद में ये, अब आप कहोगे अरे ये शुगर कहाँ से आ गई, जो हम शक्कर खाते हैं हमारे घर में, क्या ये वो है, नहीं, हाँ मतलब देखा जाए तो एक तरीके से शुगर का पार्ट है वो उसका, लेकिन बेटा इस दुनिया में हर एक चीज केमिकल से ही बनी हुई है, तो आपको लगता होगा कि जो शुगर हम अपने घर में खा रहे हैं वो भी एक केमिकल ही है बेटा। तो पर हम ये लोग पढ़ रहे हैं, जो स्टडी कर रहे हैं, वो चीज समझ रहे हैं कि ये क्या है। तो ये शुगर है, इसके ऊपर वाली भी, ये भी शुगर है, ये भी शुगर ही तो होगी, इसके ऊपर भी तो शुगर होगी, ये इसके भी ऊपर ये शुगर होगा, ये जो ग्रीन वाला जो मैंने बनाया है ये भी शुगर है, इसके ऊपर वाला भी, ये भी शुगर है, यानी ये सब के सब एस लिख रहा हूं मैं, इसके लिए शुगर लिख रहा हूँ, एस, एस फॉर शुगर। अच्छा अब ये दो शुगर के बीच में जो मैंने सर्कल बनाया है ना, ये वाला सर्कल, दो शुगर के बीच में जो सर्कल मैंने बनाया है, जिसको मैं स्टार से हाईलाइट करूंगा, चलो ये स्टार से हाईलाइट करूंगा, दो शुगर के बीच में जो मैंने सर्कल बनाया है उसका नाम क्या है, उसको फॉस्फेट बॉन्ड कहते हैं बेटा, उसको हम लोग बोलते हैं फॉस्फेट बॉन्ड। फॉस्फेट बॉन्ड तो ये हर दो शुगर मॉलिक्यूल के बीच में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है, अगर कोई पूछेगा,
आपके पास में एक शुगर मॉलिक्यूल है और एक और शुगर मॉलिक्यूल है दूसरा है, तो उन दोनों के बीच में क्या कौन सा बॉन्ड पाया जा रहा है, तो हम क्या लिखेंगे उसके बीच में, उनके बीच में पाया जाता है फॉस्फेट बॉन्ड। दो शुगर मॉलिक्यूल के बीच में फॉस्फेट बॉन्ड पाया जा रहा है। मैं ये इसको हाईलाइट करके लिख भी रहा हूं, आप ध्यान से बस समझते जाओ, आपको धीरे धीरे सब समझ में आने लगेगा। ये फॉस्फेट बॉन्ड है और ये हमारे आजू बाजू में दो शुगर मॉलिक्यूल है। ये आपको एक चीज तो क्लियर हो गई, एक तरफ का यानी बैकबोन इसको बोलते हैं और इस स्ट्रक्चर को हम बैकबोन कहते हैं, यानी कि ये जो बैकबोन बनेगी तो ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको बैकबोन कहेंगे, मतलब यही है बैकबोन। तो ये जो बैकबोन है तो ये शुगर और फॉस्फेट से बैकबोन बनती है, ये आप याद रखना, शुगर और फॉस्फेट से बनती है बैकबोन ऑफ डीएनए, बैकबोन ऑफ डीएनए। बहुत आसान है, मैं एकदम बेसिक पढ़ा रहा हूँ, एकदम नीचे जाके पढ़ा रहा हूँ, इससे आसान नहीं पढ़ा सकता कोई भी वीडियो आपको, एकदम इजी समझा रहा हूँ। बैकबोन ऑफ डीएनए बनती है शुगर और फॉस्फेट से, ठीक है, समझ में आ गया, यहां तक तो समझ में आ गया। और आगे बढ़ा जाए, यानी एक चीज तो खत्म हो गई, ये जो स्टिक वाली स्ट्रक्चर था, यानी कि जो ये वाला अपना स्ट्रक्चर है, यानी कहा जाए कि ये जो हमने अभी तक बैकबोन की बात सुन रखी है, ये वाली पॉइंट हमने, मतलब केवल बैकबोन की मैं बात कर रहा हूँ, याद रखना केवल बैकबोन की, तो वो इसी से ही बनती है, उसको हम ये काउंट नहीं करेंगे उसमें। तो मैं एक बार फिर से ड्रॉ कर दे रहा हूँ, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इतने से स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, ये है बैकबोन, ये है बैकबोन केवल इतना। तो जो ये जो स्टिक दिखाई जा रही है, एक दूसरी स्टिक दिखाई जा रही है जिसको मैं अभी दूसरे कलर से ये डिनोट करूंगा, यानी कि ये क्या चीजें हैं, ये चीज क्या है, ये सारी चीजें क्या हैं जो यहाँ पे जोड़ के बीच में दिखाई जा रही है, उनके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इन्हें ये जो यहाँ पर दिखाया जा रहा है, ये इधर भी है और ये इधर भी है, दोनों तरफ है ये, तो इनको क्या कहते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजन बेस पेयर। भाई बेस पेयर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये इधर भी है और उधर भी है, नाइट्रोजन बेस बोलोगे तो भी चलेगा, लेकिन हम पेयर वर्ड क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि ये दोनों जोड़े में पाए जाते हैं, एक इधर होता है और एक इधर होता है, याद रखिएगा। नाइट्रोजन बेस पेयर ये बीच में है, जो कि मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये कहीं पे भी देख लो आप, यहाँ देखो, ये नीचे लेफ्ट राइट डायग्राम में देखो, देखो मैं ये यहाँ पर शो कर रहा हूँ, एरो बना रहा हूँ मैं जहाँ पे, देखो ये नाइट्रोजन बेस पेयर के ही को ही मैं डिनोट कर रहा हूँ ये, तो ये बात समझ में आ गई। अब ये नाइट्रोजन बेस पेयर के जो बीच में जो ये बॉन्ड पाया जा रहा है, दो नाइट्रोजन बेस पेयर के बीच में जो बॉन्ड है उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हाइड्रोजन बॉन्ड है जो दो नाइट्रोजन बेस पेयर के बीच में पाया जाएगा। तो चलो एक बात और हमको पता चल गई कि शुगर फॉस्फेट तो ऐसे सीधे सीधे होते हैं, उनके बीच में फॉस्फेट पाया, ये नाइट्रोजन बेस पेयर पाया जाता है। तो मैं अब एक और चीज लिख रहा हूँ, नीचे लिख रहा हूँ, फिर से लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। हमारे पास एक शुगर है, मैं एस लिखता हूँ, एस प्लस फॉस्फेट प्लस एन बी पी, एनबीपी मतलब नाइट्रोजन बेस पेयर, या केवल एनबीबी लिखोगे, नाइट्रोजन बेस एक तरफ का सेगमेंट। अगर मैं आपसे कहूं कि इसको क्या नाम दिया जाएगा, देखो ये क्या चीज है, ये ध्यान से समझना अभी मैं क्या बता रहा हूँ। ये इतना पार्ट मैंने निकाल लिया, ऊपर देखो लेफ्ट साइड में, देखो ऊपर देखो लेफ्ट साइड में, मैं एक और स्क्वायर बना रहा हूँ, बॉक्स के अंदर भी एक बॉक्स बना रहा हूँ, आई होप आपको दिख रहा होगा ये बॉक्स, मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, यहाँ पे देखना आप लोग, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ये एक छोटा सा सेगमेंट निकाला गया वहां का। तो इस सेगमेंट को हम क्या नाम देंगे, इसको हम नाम देने वाले हैं न्यूक्लियोसाइड। क्या नाम देने वाले हैं, न्यूक्लियोसाइड। तो देखो ये जानकारी आपको एक लेवल की जानकारी है, ये समझ में आई होगी। अब देखना, अब मैं चैलेंज ले रहा हूं, अब मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा और अब आपको वीडियो समझ में आएगा, देखना आप चैलेंज है इस बात का। तो मैं ये यहाँ से इसको रोक रहा हूँ, अभी आप डाउट्स इस पे मत उठाना, अभी मत उठाना, क्योंकि देखना अभी आपको अपने सारे डाउट्स आपको खुद ही क्लियर हो जाएंगे, अभी बस देखना है ना।
देखिए, जैसा कि मैंने आपको अभी दिखाया और समझाया, वहां पर जो भी मैंने बताया उसका ही ये एक मतलब अच्छे तरीके से रिप्रेजेंटेशन है जो यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक सेगमेंट का डीएनए का पिक्चराइजेशन है यहाँ पे आपके सामने, एक सेगमेंट का, यानी जो ये सेगमेंट रखा हुआ है, डबल हेलिक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये उसी स्ट्रक्चर को, एक एक स्ट्रक्चर को, उसके एक सेगमेंट को यहाँ पर रखा गया सीधा का सीधा। तो आप सब लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बीच में फॉस्फेट बॉन्ड आ रहा है, ये आपको समझ में आ रहा है। शुगर को यहाँ पर ऐसे पेंटागन स्ट्रक्चर में दिखाया जा रहा है, आपको ये दिख रहा होगा, ये पेंटा मतलब पेंटो शुगर है, यानी 5 कार्बन, यानी कि पेंटो शुगर आपको दिख रही होगी। अब आपको धीरे धीरे स्ट्रक्चर समझ में आएगा, यहाँ पे ये पेंटो शुगर आपको दिख रही है, उसके बाद ये फॉस्फेट बॉन्ड है, उसके ऊपर बेस है, यानी कि ये उस तरफ के दूसरे बेस से जब एड होगा तो बेस पेयर बन जाएगा। चलिए, अच्छी बात है, अब आपको ये समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ जो बॉक्स में लिखा हुआ है हम उसे पढ़ने के लिए दिखाएंगे। डीएनए इज अ पॉलीमर मेड अप ऑफ यूनिट कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स। अच्छा, मैंने वहां न्यूक्लियोसाइड बोला था, उसको अवॉइड करके यहाँ न्यूक्लियोटाइड बोलना है। द न्यूक्लियोटाइड आर मेड अप ऑफ 3 डिफरेंट कंपोनेंट्स। नंबर 1 शुगर ग्रुप, बताया मैंने आपको। नंबर 2 फॉस्फेट ग्रुप। नंबर 3 बेस। बेस को मैंने वहां नाइट्रोजन वर्ड जोड़ा था क्योंकि नाइट्रोजन कंपोनेंट होता है वो, आपको आगे वाली क्लासेस में पता चल जाएगा कि उसका मतलब नाइट्रोजन होता है। अच्छा, अब ये तो बात इतनी तो आपको समझ में आ गई डीएनए के बारे में। अब लेवल नंबर 2 आगे बढ़ता हूं। अब यहां तक तो आपको एक चीज पता चल रही है कि अच्छा भाई ये डीएनए है और ये डीएनए के पार्ट्स हैं। अब थोड़ा और अंदर घुसते हैं। मैंने आपको नाइट्रोजन बेस पेयर की बात की थी, यहाँ नाइट्रोजन बेस पेयर 4 प्रकार के होते हैं, 4 टाइप्स के। तो अब आप एक तरफ देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है ATGC और इधर देखेंगे लिखा हुआ है TAGC। ये है तो वही नाइट्रोजन बेस पेयर, लेकिन इनकी एक बॉन्डिंग होती है। कैसी बॉन्डिंग होती है भाई? ए हमेशा जुड़ता है टी से, याद देखो कहीं पे भी हो, अगर टी इधर है तो ए इधर होगा, और सी जुड़ता है जी से, यानी सी मतलब साइटोसिन और जी मतलब गुआनिन, ए मतलब एडेनिन और टी मतलब थाइमिन, जो कि यहाँ पर आपके पूरे के पूरे पैराग्राफ दिए गए हैं। देखिए, मैं आपको एक बात कह रहा हूँ, ये बहुत बड़े बच्चों का डायग्राम है, मतलब ये 12th का डायग्राम है, आपको वो नहीं पढ़ना है पूरा डायग्राम, यानी स्ट्रक्चर नहीं याद करना है, आपको केवल नाम याद करना है। अगर मैं क्वेश्चन दूंगा कि ए के सामने कौन सा होगा वहां सामने, तो आपको लिखना पड़ेगा थाइमिन, टी होगा वहां पे। अगर मैं बोलूंगा जी है तो जी के सामने कौन होगा, तो वहां पे सी होगा। ये आपको याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन आएगा, मैं आपको अगर टेस्ट में क्वेश्चन पूछूंगा तो वो क्वेश्चन कुछ ऐसा दिखाएगा, मतलब मैं ऐसे सीक्वेंस बना के आपको दे दूंगा। अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको, आपको मैं ऐसी सीक्वेंस, एक सीक्वेंस देखो, ये रहा, ये रहा, ऐसी सीक्वेंस बना के दे दूंगा मैं यहाँ पे आपको। खैर, ये तो आरएनए वाले के लिए है, पर आरएनए वाले नहीं, आप यहाँ पर टी के सामने यू ही लिखना। अभी मैं वो आगे भी आपको बताऊंगा कि आरएनए भी डीएनए से ही बनता है, लेकिन वहां पर टी के सामने ए नहीं आता है, टी के सामने यू आता है, ये बात आप याद रखना। और अगर वहां पर ए है तो ए के सामने ए ही आएगा, ये बात आप याद रखना। खैर, ये बातें अभी आपको और आने वाली क्लासेस में और बताऊंगा मैं। तो ये तो खैर, चलो आपको थोड़ा थोड़ा सा, मुझे पूरी उम्मीद है समझ में आ गया होगा। और ये वाला पैराग्राफ छोड़ दूंगा मैं अभी, डीएनए टू प्रोटीन। अभी आप याद करिए, अभी मैंने स्टार्टिंग की क्लास में आपसे बोला था कि डीएनए से प्रोटीन बनता है, वो यही इसी में ही लिखा हुआ है ऐसा, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो खैर, यहाँ तक तो ये हो गया। अब जो है अपना स्टार्ट करूंगा मैं, जो कि है वीडियो। कंपोनेंट इज फॉस्फेट ग्रुप। This helps bind the 2 deoxyribose molecules together. The 3rd and the 5th carbon atoms of the adjacent deoxyribose molecules are bound by the phosphate groups. Lastly, the nitrogenous base forms the core of the double helix. These are 4 different molecules that bind in pairs. 2 of them are called purines and the other 2 are called pyrimidines. Adenine and guanine are the 2 purines which bond. देखिए, यहाँ पर अभी तो खैर मैं बताने ही वाला हूँ आपको आगे। जब हम अभी मैंने आपसे क्या कहा कि जी और जी के सामने, देखो यहाँ पर जी और ए यहाँ साथ साथ रखा जा रहा है, और सी और टी, ये एक शारगाफ नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये रूल दिया था, वो मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा। प्यूरिन पिरामिडिन का काउंट बराबर होता है,
वो मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, पर पहले आप थोड़ा सा इस बात को स्किप करके आगे बढ़िए. Bond with the pyrimidines, thymine and cytosine. Can any purine bind with any pyrimidine? Nope. It's a thumb rule that adenine always binds with thymine, while guanine binds with cytosine only. These molecules are bound to each other with the help of hydrogen bonds. Adenine binds with thymine with the help of two hydrogen bonds. Guanine and cytosine, however, bind with three hydrogen bonds. Did you know that one unit consisting of deoxyribose molecule, one nitrogenous base and a phosphate group is called a nucleotide? And what if the phosphate group is removed from this nucleotide unit? It's called a अब इसको न्यूक्लियोसाइड बोलेंगे, समझ रहे हो? अगर मैं इसमें से फॉस्फेट निकाल दूं, मैंने ब्रेक कर दूं मैं उसको, यानी एक सेगमेंट को अलग कर दूं, डीएनए के सेगमेंट को तोड़ दूं, तो उसको न्यूक्लियोसाइड कहेंगे, ठीक है? अच्छा, एक और बात थी यहाँ पे जो इसने बताया, ये अच्छी बात बताई कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं यहाँ पर, वो भी अभी बता रहे हैं, ये मैं वो आगे बताने वाला था पर अभी आ गया है तो सुन लो, आसान टॉपिक है इसलिए बता दे रहा हूँ. ए के साथ में टी जुड़ता है डबल बॉन्ड के साथ में, हमेशा याद रखना, और जी के साथ में जुड़ता है सी ट्रिपल बॉन्ड में. तो आपसे ये कोई पूछेगा कि जो लूज है, जो जल्दी ब्रेक होगा, वो कौन सा होगा यहाँ पे, तो ये बात याद रखना है कि ये ए के साथ टी वाला है, ये ब्रेक हो जाता है यहाँ पे. बॉन्ड और भी होते हैं पर वो अभी मैं एकदम से नहीं बताना चाहता हूँ. जैसे कि अगर मैंने एक फॉस्फेट बॉन्ड तो बता दिया आपको, फिर उसके बाद में नाइट्रोजन बेस पेयर और शुगर के बीच में भी एक बॉन्ड बनता है, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. तो वो सारी चीजें हैं, वो आपको मैं आगे बताने वाला हूँ. तो देखिएगा, पहले खैर यहाँ पर देख लीजिए आगे क्या आने वाला है. Did you know that one unit consisting of deoxyribose? Nora wants to know if there's any way of measuring a DNA molecule. What? अब ये डायमेंशन निकालने के लिए शारगाफ का रूल समझाएंगे, जो कि A is equal to T और वो सब सिस्टम समझाएंगे. अगर समझ में आ जाए ये, तो खैर इस वीडियो को मैं रख लेता हूँ, आने वाली क्लास में समझाता हूँ. पहले मैं शारगाफ रूल आपको समझा दूंगा, फिर उसके बाद ये वीडियो को किया जाएगा, ठीक है ना? तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, ये लेक्चर ठीक है यहाँ तक ही रखेंगे. और इस पर और भी अगर आपको कोई इंटरेस्टिंग वीडियो मिले तो आप मुझे ज़रूर भेजिएगा, ठीक है ना? या आप अपने गूगल क्लासरूम के स्ट्रीम में पोस्ट करिए, ठीक है? ओके.